नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। रेवाड़ी में पुलिस द्वारा बाइक चोरी करने वाले, चोरी की बाइक को बिकवाने वाले व खरीदने वाले सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी गांव खड़गवास निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अलग अलग क्षेत्रों से 8 बाइक चोरी करने की वारदातों को कबूला है। चोरी की बाइक बिकवाने वाले आरोपी मिस्त्री भूपेंद्र निवासी जाडरा व खरीदने वाले आरोपी दिल्लू थार हुसैन उर्फ दिलबर निवासी टाकागज पश्चिमी बंगाल हाल रेवाड़ी को गिरफ्तार करके एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि थाना कोटका सिम के कानूनवाड़ा निवासी सुरेश कुमार ने 3 मार्च को जगन गेट चौकी पुलिस में शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसने अपनी बाइक शहर के एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ी की थी। जब वह वापस आया तो वहां बाइक नहीं मिली। थाना शहर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। सीआईए रेवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर गांव खड़गवास निवासी दीपक को काबू कर लिया। उसने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद 8 वारदातों को कबूला और चोरी की बाइक बिकवाने वाले मिस्त्री व खरीदने वाले आरोपी को भी काबू कर लिया। जो हमारी जो सीआईए यूनिट्स हैं वो कड़ी मेहनत करती हैं और उसी संदर्भ में रिसेंटली जो सीआईए की टीम है उन्होंने कुछ आरोपियों को पकड़ा है जो कि मोटरसाइकिल जो या कोई भी टू व्हीलर्स होते थे उनकी चोरी में लिप्त थे। काइंड ऑफ एक गिरोह की तरह ही काम करते थे और जो मुख्य मुलजिम है दीपक कुमार थाना रामपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, इसको पकड़ा है। ये जो शहर के जो मुख्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं जिसपे प्राय लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटीज को खड़ी करते हैं वो पहले वहाँ पर जाके रेकी करता था और फिर उसके बाद उनको उन बाइक्स को या स्कूटीज को ये चुराता था। तो इसकी इंटेरोगेशन हमने माननीय अदालत से ली और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इसने 8 केसेस में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है और उन 8 केसेस में इसने बताया कि इन्होंने किस किस स्थान पर इन वारदातों को इसने अंजाम दिया और सभी जो केसेस हैं उसमें मुकदमे दर्ज हैं। आगामी हम अनुसंधान कर रहे हैं और उन केसेस में भी इसको माननीय अदालत से दोबारा प्रोडक्शन पर लेकर जो भी बाइक चोरी थी उसमें रिकवरी की जाएगी। इसमें और कौन लोग शामिल हैं? इसमें 2 व्यक्तियों को इस केस में हमने और गिरफ्तार किया है और एक व्यक्ति जो इसे जो भी ये बाइक चोरी करता था उस बाइक को वो खरीदते थे और उसको फिर फर्दर किसी को बेचते थे। तो प्राय जो भी तक अनुसंधान है उसमें ये देखने में आया है जो इनफॉर्मल लेबर है जो कि ईंट भट्टे या कोई भी जो ये जो रोड के काम हो रहे हैं रोड रिपेयर के उसमें जो इनफॉर्मल लेबर है प्राय ये उनको बेचता था और कम दामों में बेचता था। तो 3 व्यक्तियों को हमने इस संदर्भ में गिरफ्तार किया है और जो बाकी के हमारे रिमेनिंग जो मुकदमे हैं जिसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है उसमें भी इन 3 व्यक्तियों को प्रोडक्शन पे लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्यों करने लगा? चोरी तीनों लोग करते थे सर, इसमें क्या चोर ही अकेला था और ये किस तरह से वारदात करता था? अगर कहीं लोग खड़ी हुई है बाइक लोग कर रखी है तो वो किस तरह से वारदात करता था? ये जो बेसिकली इनके पास मास्टर कीज हैं और जनरली जो पुरानी बाइक्स होती है और उस मास्टर कीज की वजह उससे वो खोल लेते हैं। अगर लॉक खुला हुआ है तो या लॉक बंद भी है तो ये सर्किट भी ब्रेक करना जानते हैं उनका और वो बड़ा ही सिंपल इनके लिए बहुत सिंपल है ये विद इन 5 मिनट्स ये उसको खोल के वो ले जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।